दोस्तों ये जो बूटेन सिलेंडर है मैंने लोकल मार्केट से इसको परचेज किया है बहुत कम रुपए में। ऑनलाइन ये काफ़ी महंगा मिल रहा था, लेकिन दोस्तों उम्मीद नहीं थी एक इतना छोटा सा सिलेंडर इतने घंटे चल सकता है। दोस्तों आज हम लाइव टेस्ट करने वाले हैं बूटेन सिलेंडर, जो कि पोर्टेबल गैस स्टोव जो कि हंस कंपनी का भी मेरे पास है, इसमें कितनी देर चलता है। क्योंकि हम जब कैंपिंग कहीं ट्रेवलिंग करते हैं तो हम लोग इस तरीके के छोटे सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि यह कितना टाइम चलेगा। तो दोस्तों ये मेरे पास गैस स्टोव है, हंस कंपनी का पोर्टेबल गैस स्टोव, कुछ वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसका पूरा वीडियो जो है मैंने बनाया है, इससे पहले अपलोड किया है, जो कि आई बटन पर उसका लिंक आ रहा है, आप वहां जाकर इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त राहुल सिंह चौहान और द किंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वाली बटन को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये पोर्टेबल गैस स्टोव जो है आपको मिलता है इस बॉक्स में, और इस तरीके से कुछ इसके अंदर ये रखा जाता है, पैक किया जाता है, जब हम कहीं ट्रेवलिंग करते हैं तब हम लेके जाते हैं। तो दोस्तों उसमें कुछ पॉइंट उस वीडियो में मेरे रह गए थे, तो मैं अभी यहाँ पर क्लोज किए देता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको करना है क्या क्या नहीं करना है। दोस्तों जब हम सिलेंडर लगाते हैं, अगर इस प्लेट को हमने उल्टा कर रखा है तो यहाँ पर हमारा ये बूटेन सिलेंडर जो है नहीं लगेगा, और ये उल्टा इसलिए किया जाता है, अगर ये उसको हम इसी तरीके से रखेंगे तो ये इसके जो बॉक्स दिया गया है फाइबर का उसमें नहीं आएगा। तो इसलिए इसको हमें जो है कैंपिंग के बाद या जलाने यूज करने के बाद में इसको हमको उल्टा करके उसी बॉक्स में रखना है। तो दोस्तों अगर ये उल्टा है तो ये बूटेन सिलेंडर इसमें नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसको कहीं पर बंद कमरे में नहीं चलाना है, कहीं कोई विंडो है या कहीं खुली हुई जगह है वहीं पर इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं, लाइव टेस्ट करते हैं कि बूटेन सिलेंडर आखिरी कितनी देर इस स्टोव में चलता है। तो दोस्तों हमने अपने गैस स्टोव को जो है लाइव टेस्ट के लिए एक विंडो के पास रख लिया है। देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर एक विंडो है सामने, और ये हमारा गैस स्टोव है, ये हमारा बूटेन सिलेंडर है। तो हम दोस्तों लाइव टेस्ट करेंगे कि हमारा जो है कितनी देर ये एक बूटेन सिलेंडर जो है कितनी देर चलता है। तो दोस्तों आइए पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, बूटेन सिलेंडर को लगा देते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि ये कितनी देर चलता है। जब भी दोस्तों इस बूटेन सिलेंडर को निकालना है तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस कैप को ज़रूर लगा देना है इसमें पैक करते समय, और सिलेंडर को लगाना छोड़ें, मैंने जैसे कि पहले पूरे वीडियो में बताया है। तो आइए दोस्तों हम लोग इस सिलेंडर को इसमें लगाते हैं और फिर जो है हम लोग टेस्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सिलेंडर लग चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बूटेन सिलेंडर लग चुका है, और अब हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे कि कितना देर ये सिलेंडर जो है इसमें चलता है। तो दोस्तों सामने स्टोव बाथ जो है हमने रेडी कर ली है और सिलेंडर भी हमारा लग चुका है इसमें गैस स्टोव में। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं लाइव टेस्ट का, कितनी देर यह बूटेन सिलेंडर इस गैस स्टोव में चलेगा। दोस्तों टाइम स्टार्ट हो चुका है और देखिए सिलेंडर चालू हो गया है, आपको दिखाई दे रहा हो। तो अब ये कंटिन्यू जो है जल के रहेगा जितनी देर यह सिलेंडर चालू रहता है। तो आपके सामने लाइव टेस्ट चल रहा है, आज हम लोग देखेंगे कि कितनी देर हमारा ये सिलेंडर चलेगा। अभी तक ऐसा वीडियो किसी ने इंटरनेट पर नहीं डाला है कि कितनी देर ये सिलेंडर जो है लाइव चलता है। दोस्तों हम लोग इसके ऊपर एक पतीला पानी रख देते हैं और तब तक ये भी काम हो जाएगा।
तो अभी हम एक पतीला पानी जो है और रख देते हैं, और आप दिख रहा है कि ये जल रही है और ये फुल पर अभी चल रही है, स्लो पे नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको फुल पे कर रखा है। और अब देखते हैं अभी जो है 9 मिनट होने वाले हैं और कितनी देर ये सिलेंडर चलेगा, वही हम लोग लाइव टेस्ट आज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी गैस जल रही है और 10 मिनट होने वाले हैं। याद रखिए कि बर्तन इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो, क्योंकि इसके यहाँ पर आपका बुटेन गैस सिलेंडर लगा हुआ है तो इधर ज़्यादा हीट नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हैं 15 मिनट होने वाले हैं और हमारा दूसरा पतीला भी पानी गर्म हो चुका है और नीचे गैस भी अभी चल रही है और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी गैस में कमी नहीं आई है, उतनी ही फास्ट चल रही है जितनी हमने शुरू में चलाई थी। तो जैसा मैंने पूरा वीडियो में बताया कि मैं अभी फुल पे चला रहा हूँ और इसको ना हाफ पे चलाऊँगा ना स्लो पे चलाऊँगा, तो फुल पे हमें टाइमिंग देखना है कितनी देर ये चलेगी। तो 20 मिनट हो गए हैं और अभी तक गैस में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी जो है फ्लेम में नहीं दिखाई दी है। जैसे कि शुरू में जल रही थी वैसे ही जल रही है, तो अभी हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, देखेंगे कितनी देर जलती है ये। तो 25 मिनट होने वाले हैं और आप देख रहे हैं अभी भी हमारी गैस वैसे ही चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी फ्लेम में कमी नहीं आई है, उतनी ही तेज़ी से जल रही है जितनी हमने शुरू में ही ऑन की थी। तो अभी आप लाइव टेस्ट देख रहे हैं और देख सकते हैं कितनी मिनट हो चुकी हैं। तो अभी जो है 30 मिनट हो चुकी हैं और पानी हमारा भी अभी उबल रहा है, चौथा पतीला लगभग शायद उबल रहा है। तो अभी देखते हैं अभी किसी प्रकार की कोई भी फ्लेम में कमी नहीं आई है, कितनी देर चलेगा और हम देखते हैं, लाइव टेस्ट करते रहेंगे। तो 35 मिनट हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा स्टॉप वॉच में 35 मिनट यहाँ पर टाइमिंग चल रहा है और कुछ गैस हमारी जो है अब स्लो हुई है, उतनी तेज़ नहीं जल रही जितनी तेज़ हमारी शुरू में जल रही थी। आप देख सकते हैं कम हो गई है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए अभी, ये देखिए अभी स्लो थोड़ा हो चुकी अभी, पर हमें लास्ट तक देखना है कि कितनी देर ये सिलेंडर चलेगा। 35 मिनट यानी हो चुके हैं फुल पे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 40 मिनट हो चुके हैं और अभी भी हमारी गैस जो है जल रही है, पानी गर्म हो रहा है, हालांकि उतनी तेज़ नहीं जल रही है, अब थोड़ा ये क्या है स्लो हो चुकी है, यानी अब जैसे ऐसे जल रही है जैसे कि ये हाफ पे चल रही हो, लेकिन अभी भी ये फुल पे चल रही है और कितनी देर और चलेगी वो वीडियो लाइव आपके सामने चलता रहेगा।
तो दोस्तों ये जो बूटेन सिलेंडर है मैंने लोकल मार्केट से इसको परचेज किया है बहुत कम रुपए में। ऑनलाइन ये काफ़ी महंगा मिल रहा था लेकिन मैंने इसे अपने लोकल मार्केट से मात्र 100 रुपए में ख़रीदा है, 5 खरीदे। हालांकि आपको हंस कंपनी के भी ऑनलाइन आपको अमेजोन वगैरह पे मिल जाएंगे, मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, लेकिन मैंने लोकल मार्केट से 500 रुपए में इसे 5 खरीदे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 45 मिनट हो चुके हैं और अभी भी हमारी गैस जो है जल रही है, फ्लेम हालांकि कुछ कम हुई है, पहले से आधी हो गई है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि और ये कितनी देर चलती है और पानी को हम बदली कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं 50 मिनट हो चुके हैं और अभी भी हमारी गैस जो जल रही है, हालांकि जैसा कि फुल पे शुरू में जली तो वैसी नहीं है, अभी हाफ पर चल रही है कंटिन्यू। आप देख सकते हैं लाइव टेस्ट चल रहा है तो मैं बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूँगा कितनी हमारी गैस जो है चल रही है।
तो दोस्तों देखिए 55 मिनट हो चुके हैं और अभी भी हमारी गैस जो है जल, तो अभी जो है 1 घंटा हो चुका है और अभी भी हमारी गैस जो है जल रही है और आधे फ्लेम पे अभी चल रही है। तो 1 घंटा हो गया है और लगभग पानी हमारा 8-9 लीटर के लगभग गर्म हो गया है। तो अभी हम और देखेंगे कितनी देर लास्ट तक ये चलती है। तो दोस्तों अभी 1 घंटा 5 मिनट हो गया है और अभी भी हमारी जो है गैस जल, तो दोस्तों 1 घंटा 15 मिनट हो गया है और अभी भी हमारी गैस जो है जल रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा पानी उबल रहा है। तो 1 घंटा 25 मिनट हो गया है और अभी भी ये जल रहा है। तो अभी 1 घंटा 30 मिनट हो गए हैं और अभी भी गैस जल रही है। उम्मीद नहीं थी ये इतनी देर चलेगी, लेकिन अभी भी ये देखिए जल रही है। लेकिन अब ये जो है बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है देखिए, लेकिन अभी भी जल रही है। आप इसमें चाय वगैरह आराम से बना सकते। तो दोस्तों 1 घंटा 39 मिनट हो चुका है, आपको हम पे टाइम दिख रहा है और गैस अभी भी हमारी यहाँ पर चल रही है। पानी गर्म हो रहा है और यहाँ पर अभी कोई ज़्यादा खास गर्म नहीं हुआ है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। हालांकि यहाँ पर ये जो आपको स्टैंड दिख रहा है ये यहाँ पर गर्म हो चुका है और अभी भी हमारी गैस इतनी है कि मैगी या चाय वगैरह हमारी बन सकती है 1 घंटा 39 मिनट होने के बावजूद। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना छोटा सिलेंडर इतनी देर चलेगा, लेकिन अभी ये है चल रहा है। तो एंड तक हम देखेंगे कि ये कब बंद।
तो दोस्तों 1 घंटा 50 मिनट हो गया है और गैस अभी भी हमारी चल रही है। अभी हमने न्यू पानी जो है दोबारा इस पतीले में चढ़ाया है। अब देखते हैं लास्ट में ये कितनी देर और चलेगी। हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर या इतना छोटा सिलेंडर चल। तो अभी 1 घंटा 55 मिनट जो है हो गए हैं इस गैस स्टोव को चलते हुए बूटेन सिलेंडर से, और अभी भी ये गैस जल रही है। हालांकि ये बहुत तेज़ नहीं जल रही है, बिल्कुल नॉर्मल जल रही है, और ये 2-4 आदमियों की अभी भी ये चाय वगैरह बना सकती है, 1-2 लोगों के लिए मैगी बना सकती है। तो अभी और थोड़ी देर हम देखते हैं। तो 2 घंटा 5 मिनट हो गए हैं और अभी भी गैस जल रही है, पानी गर्म हो रहा है, स्लो है लेकिन अभी भी ये चल रही है। तो अभी और देखते हैं पाँच। दो घंटा 10 मिनट हो गए हैं और अभी भी ये जल रही है और पानी गर्म हो रहा है। अभी देखिए भाप निकल रही है और अभी भी हमें लग रहा है ये 5 मिनट अभी भी सही चलेगी, जो कि कुछ हमारा बना सकती है। तो अभी हम 5 मिनट और वेट करेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि ये कितना। तो दोस्तों देखिए आप, 2 घंटे 15 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं टाइमिंग यहाँ पर चल रहा है, 2 घंटे 15 मिनट हो गए हैं और अभी भी ये चल रहा है। लेकिन अब मेरा मानना है कि अब ये इसके आगे अगर कुछ भी हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, या चाय बनाए या कुछ, और उम्मीद भी नहीं है कि अब ये बन सकता है आगे इसमें कुछ। तो दोस्तों औसत निकला है 2 घंटे 15 मिनट का और हमने यहाँ पर जो है फुल पे चला रखा था। आप देखिए अभी भी ये फुल पे है, हालांकि हम हाफ पे चलाते थे कुछ ज़्यादा समय ये चलता, लेकिन हम मान रहे हैं कि 2 घंटा 15 मिनट ये जो है मैंने इसको फुल फ्लेम पे चलाया है। हालांकि ये 1/2 घंटा 40 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा धीमे होने लगा था, लेकिन अब ये कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ये जल रहा है, लेकिन ये अभी देखिए जल रहा है। तो अब ये स्लो हो चुका है और कोई बहुत ज़्यादा आग इसमें नहीं बची है। तो औसत निकला है 2 घंटा 15 मिनट का। अगर हम धीरे स्लो पे हाफ पे चलाते तो ये समय और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये और ज़्यादा कितना बढ़ सकता है। तो हम अपने जो है बूटेन सिलेंडर को जो है हम इसमें से निकाल लेते हैं और समय फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 घंटा 16 मिनट 19 सेकेंड अभी तक मैंने इसको गैस स्टोव को चालू करके रखा है। तो यहाँ पर लगा है देखिए हमारा बूटेन सिलेंडर, और इसको जो है अब हम लोग ऑफ़ कर देते हैं गैस को। गैस जो है ऑफ़ हो गई है और इसको अनलॉक कर देते हैं सिलेंडर को। जब भी आप इसको बंद करेंगे तो अनलॉक अपने सिलेंडर को कर लेंगे और निकाल लेंगे। सिलेंडर जो है हमारा बहुत ज़्यादा जो है ठंडा हो चुका है, और लेकिन ये जो है बिल्कुल खाली हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। और इसमें नेट वेट जो है 225 ग्राम इसमें है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और किस तरीके से देखिए इसके ऊपर, देखिए पानी जम चुका है, बिल्कुल ठंडा है। हालांकि ये पहले गीला नहीं था, लेकिन ये चलते चलते ये जो इस तरीके से गीला
हो गया, इसके ऊपर भाप जम गई है और ये लग रहा है जैसे कहीं पर हमने इसको बर्फ़ में रख रखा था। और देखिए यहाँ पर भी अंदर यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है काफ़ी। तो दोस्तों औसतन मैंने जो दिखाया कि 2 घंटा 15-17 मिनट के लगभग चला है ये, और उम्मीद नहीं थी दोस्तों, उम्मीद नहीं थी कि ये एक बूटेन सिलेंडर इतना समय तक चल सकता है, इतना छोटा सिलेंडर, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडा हो गया है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी, अगर आप बूटेन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों याद रहे गर्मियों के दिन में आपको इसको अपने कार के अंदर नहीं छोड़ना, जहाँ पर टेम्परेचर जो है 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। क्योंकि अगर आपका बाहर थोड़ा टेम्परेचर कम है 30-35 तक, तो आपको पता है कि आप इसको अपने कार के अंदर छोड़ के चले जाएंगे और कार के शीशे बंद होंगे तो कार के अंदर कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है गर्मियों के समय में, तो ये फट भी सकता है, तो इसको कार के अंदर आपको नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों मैंने एक आपके सामने एक औसतन समय दिखाया था कि मैंने लगभग इसको 2 घंटा 17 मिनट चलाया है और फुल पे मैंने इसको करके रखा था, तो ये चला है। अगर आप इसको हाफ पे चलाते तो मेरे हिसाब से अभी अगर हाफ और फुल मिला के चलाते तो 3-3.5 घंटे का लगभग औसत इसका 3 घंटे का तो नॉर्मल निकल सकता था। तो दोस्तों एक ये लाइव टेस्ट था, अभी तक इसको किसी ने यूट्यूब पे नहीं दिखाया कि एक बूटेन सिलेंडर जो है कितना समय तक चलता है, ये मैंने आपको दिखाया इस पूरे वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे आपको और भी ब्लॉग जो है मिलते रहेंगे। तो दोस्तों सिलेंडर निकालने के बाद में आपको क्या करना है, एक बार अपने गैस को जो है चालू कर देना है, जिससे कि अगर इसके अंदर कोई गैस हो तो निकल जाए। और अगर आपका सिलेंडर पूरा खर्च नहीं होता है दोस्तों, तो इसके ऊपर दोबारा आप कैप लगा दीजिए, क्योंकि ये दब के आपके अंदर गैस लीक हो सकती है बैग में या आप जहाँ भी सिलेंडर को रखते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।